नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज के सेशन में आपको सुपर ड्रामा होता हुआ दिख रहा है। अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे तो यहां 10% के कट से ओपनिंग हुई, विद इन 5 मिनट्स पॉजिटिव हो गए। तो यानी कि इतना बड़ा वॉलिटिलिटी, इतना बड़ा वॉलेटाइल होता हुआ दिखा आपको स्टॉक का प्राइस, मतलब एक्सेप्शनल केस था आज के सेशन में। आप कोई भी अदानी ग्रुप का स्टॉक उठा के देख लीजिए, कैश मार्केट का मत उठाना क्योंकि वो अभी भी लोअर सर्किट पे कुछ ना कुछ स्टॉक्स पड़े हुए हैं, लाइक अदानी पावर हो गया, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन। लेकिन आप एफएनओ वाले देखिए, अंबुजा सीमेंट 350 का आज का लो और 361 पे ट्रेड कर रहा है, 365 का हाई लगा दिया स्टॉक ने। अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहां आपको एक मतलब अनोखा केस होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक मॉर्निंग में 1733 तक गिरा और सेम उसी कैंडल में आप देखेंगे 5 मिनट की, तो स्टॉक ने 1976 के हाईज लगा दिए, यानी कि ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का मूव दिखाया आपको शुरुआती 10 मिनट में, तो काफी बड़ा मूव था। उसके बाद वहीं सस्टेन करता है, थोड़ा सा नीचे आके 1889 पे अभी लगभग 2% के समथिंग डाउन ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉक 10% लोअर सर्किट पे था वो ऊपर गया हरे निशान में और उसके बाद गिरकर अभी 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। काफी सारे लोगों का इन स्टॉक्स में निवेश है, काफी सारे लोगों ने इनको खरीद रखा है और सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं कि भाई क्या अभी खरीद सकते हैं या फिर निकल जाएं। यहाँ पे माइंडसेट दो तरीके के हो गए हैं, एक अब अदानी ग्रुप के विपरीत हो गया और दूसरा माइंडसेट कह रहा है कि इट विल बाउंस बैक। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अदानी ग्रुप में एक चेंज जो मैं देख पा रहा हूं, शायद आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो मुझे नहीं पता, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब ना स्टॉक्स खराब खबर पे ना गिर नहीं रहे हैं। अगर आप देख रहे हो, क्योंकि देखिए कल भी दो बड़ी नेगेटिव खबर थी, स्टॉक आपको ठीक ठाक होते हुए दिखे बंद, लेकिन कल आई थिंक दोबारा से गिरावट हो गई थी, बट आज भी मॉर्निंग में देखें तो बड़ी नेगेटिव खबर आई है। मेरे पास कुछ कमेंट थे बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो शायद स्टॉक को डीपली थोड़ा रिसर्च वगैरह करने की कोशिश करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर लोगों ने कहा था कि भाई इसमें तो सारा का सारा स्टेक बड़े लोगों के पास ही है, पब्लिक के पास तो कुछ है ही नहीं, अदानी टोटल गैस की बात कर रहा हूं। फिर ये गिर क्यों रहा है, लोअर सर्किट क्यों लग रहा है, आपने सोचा क्योंकि बड़े लोग ही बेचने लगे हैं। अब यहां एक डाटा सामने आया है नॉर्जेस बैंक की तरफ से, जो कि अराउंड $20 करोड़ की एक्सपोजर रखते थे अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, उन्होंने सारा का सारा माल ही बेच दिया। मतलब उनको ये अब ऐसा लगने लगा है कि भाई ठीक है, हम इन विवादों से दूर, अदानी ग्रुप गिर रहा है, उन्होंने सारा माल बेच दिया। यहां पे बारक्लेज लगभग $75 करोड़ की एक्सपोजर अभी, यानी खरीद उनके उनके पास स्टॉक्स है $75 करोड़ के, ठीक है, $75 करोड़ के बारक्लेस के पास अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं और वो भी सोच रहे हैं बिकवाली करने की। हालांकि अभी करी नहीं है लेकिन सोच रहे हैं, और नॉर्जेस बैंक तो कर ही चुका है। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आप सभी को, सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है ना वो अदानी टोटल गैस की वजह से ही हुआ है, अदानी ग्रुप को भी, और जो वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है अदानी ग्रुप की वो सबसे ज्यादा अदानी टोटल गैस से हुई है। ये एकमात्र ऐसा स्टॉक है जो जब से वेंसडे प्रीवियस टू प्रीवियस वीक जब रिपोर्ट आई थी इंडियन बैंक की, तब से कंटिन्यू लोअर सर्किट पे ही शायद आपको देखने को मिल रहा है। आई थिंक एक भी दिन ये अपर सर्किट पे क्लोजिंग देता हुआ नहीं दिखा है मेरे हिसाब से। तो इसमें और सबसे बड़ा मार्केट कैप भी इसी कंपनी से गया, अदानी एंटरप्राइज से ज्यादा का मार्केट कैप खोया है अदानी टोटल गैस ने। आज की बात करें तो पहले तो नेगेटिव खबर आई कि भाई नॉर्जेस बैंक ने सारा बेच दिया है और बारक्लेज जिसके पास एक अच्छा खासा एक्सपोजर अराउंड $75 करोड़ का, वो भी सोच रहा है। एंड थर्ड जो बैड न्यूज थी वो थी MSCI की इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग थी, मैंने आपके साथ कल शेयर करा था कि मार्केट बंद होने के बाद अपडेट आएगी, वहां भी इनका वेटेज कम कर दिया गया है, तो वो भी एक नेगेटिव है। वहां से वेटेज कम होने का मतलब है आउटफ्लोज, यानी कि पैसा बाहर निकलेगा, तो ये सारी चीजें नेगेटिव है। बट स्टॉक के प्राइस गैप डाउन ओपन हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, और मेरे हिसाब से अगर आप पूछो कि भाई क्या लेने के मौके हैं, तो मैं तो ये कहूंगा भाई अपनी सीट आराम से बैठे रहो, अपनी सीट पे चिपक के कुछ मत करो इन स्टॉक्स में, क्योंकि वॉलेटिलिटी बर्दाश्त होगी ही नहीं। अब एक रिटेल इन्वेस्टर कल खरीदता है, मान के चलो 10% गैप डाउन दिखता है उसे स्टॉक, तो वो तो बेच देगा ना यार लॉस में, वो वेट थोड़ी करेगा रिकवर हो गया 2% ऊपर आ गया तब बेचूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम एकदम टॉप पे बेच दें। तो यहां रिग्रेट के चांसेस इतने रहेंगे कि आप मानसिक रूप से ना मतलब बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर को जैसे ही बेचा 2% ऊपर देख के, वो 20% ऊपर हो गया, अब आप यही सोचते रहोगे अब यार नहीं बेचा, तो यहां आपको सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं सकता। ऐसे समय पे दूर से देखने में ऐसा लगता है मौका है, पैसा बन जाएगा यार,
लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि आपका पैसा जाता रहता है और आपको परेशानी आती रहती है। रिटेल इन्वेस्टर की साइकोलॉजी माइंडसेट जो काम करता है वो ऐसे करता है, आपने मान लो 1700 रुपए पे ले लिया, 1750 आ गया, अब आप सोचोगे बेचू रोकू, वो 1780 हो गया, आप बेच दोगे, वो 1780 से 1800 के बीच आप फिर कहोगे यार फिर खरीद लो, तो भाग ही रहा है। तो इस तरीके से होता है, और इनके से आपने खरीदा और वो नीचे आया ना तो आप फिर बेचोगे, फिर वो घूमेगा, वॉलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा है आपको ही पता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं अदानी ग्रुप से आप सावधान रहें और दूर रहें तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो कि अभी आपको मैं पहले छोटा सा अपडेट दे दूं, अदानी पोर्ट्स 2% ऊपर, अदानी एंटरप्राइज 2% नीचे, अदानी पावर सर्किट पे है, अदानी ग्रीन लोअर सर्किट पे है, अदानी ग्रीन आई थिंक सर्किट से ओपन हुआ है 725 पे, 724 का सर्किट है, अदानी ट्रांसमिशन सर्किट पे, अदानी टोटल गैस सर्किट पे ही ट्रेड कर रहा है आज भी। कल रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, कोई इशू नहीं था, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी बहुत हाई है अदानी टोटल गैस के, और एक टोटल एनर्जीज करके जो इनके हाइड्रोजन कारोबार में 25% तक का पार्टनरशिप कर रही थी वो भी पीछे हट गई है इस विवादों को देखते हुए। हालांकि वो टोटल गैस से ज्यादा नेगेटिव अदानी एंटरप्राइजेस के लिए। ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्रामा चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वॉलेटिलिटी चल रही है। रिटेल इन्वेस्टर जो पिछले 10-20 दिन में जिन्होंने कोशिश करी है ना ट्रेड करने की, उन्होंने लॉस लिया है, आप ये बात एक्सेप्ट कर लो। किसी ने 1-2% 5-7% बना लिया है, बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत है कि आपने जैसे ही खरीदा स्टॉक ऊपर निकला और आपने बेचा वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करते हुए, बट बहुत रेयर केस है, 10 में से 9 लोग इसमें लॉस कर रहे हैं। ये ट्रेडिंग व्यू हो गया एक तरीके से, तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना एक बेटर ऑप्शन है। मार्केट में केवल 10 स्टॉक को अवॉइड करने के लिए कह रहा हूं मैं आपसे, वो भी उनमें से भी 10 स्टॉक में से अंबुजा सीमेंट अदानी पोर्ट्स उतना कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं ये अदानी एंटरप्राइजेस वगैरह जो वॉलेटाइल हद से ज्यादा है। तो मैं कहूंगा बस आप थोड़ा सावधान रहें, ये होगी मेरी राय आपके लिए। होप आपको ये वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।